भारत की राजनीति की बात हो और यूपी की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, चाहे किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर हो, या फिर राजनीतिक खींचतान हो। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर और बाकी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता और यूथ लीडर मिस्टर उज्ज्वल रमन सिंह। मिस्टर सिंह, मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। राम मंदिर का भूमि पूजन है, उसी से शुरू करते हैं, आपके उस पर कोई कमेंट्स? देखिए, राम मंदिर एक लंबे समय से कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनना था और एक अच्छी शुरुआत है। और जिस तरीके से निर्णय आने के बाद सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और मैं तो चाहता था कि आज भारत की सरकार अगर इसको सामाजिक सौहार्द का कार्यक्रम बनाती, देश की एकता को मजबूत करने का कार्यक्रम बनाती और उससे इसकी शुरुआत होती तो मुझको लगता कि बहुत ही अच्छा होता। लेकिन भारत की सरकार ने इसको अपनी उपलब्धि बताने का काम किया, इसको वोट की राजनीति से जोड़ने का काम किया, जो कि मुझे लगता है कि उचित कदम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, भारत के सामने इस समय बहुत चुनौतियाँ हैं, कोविड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मंदिर मस्जिद बनवाना, कोरोना से पहले फाइट करना, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाना, या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना? देखिए, सब चीज़ का अपना महत्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सभी के आराध्य हैं, उनका मंदिर बने ये बहुत दिनों से करोड़ों लोगों के मन की बात थी, वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। कोविड से लड़ना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, चीन से जिस तरीके से हमारा मुकाबला हो रहा है और हमारी ज़मीन में घुसकर चला आया है, उसको वापस खदेड़ना, ये सभी मुद्दों पर हमको लड़ना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि भारत की सरकार इन सारे मुद्दों पर लगातार फेल होती चली जा रही है। अभी हाल फिलहाल में कानपुर का केस बहुत फेमस हुआ, जहां विकास यादव का एनकाउंटर हुआ विकास दुबे, तो उस पूरे वाक्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि विकास दुबे ने जो कृत्य किया था बहुत गलत कृत्य था, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इस देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ के तहत उसको सजा होती, और चाहे हमारे न्यायालय उसको फांसी की सजा देते, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में साक्ष्य जुटाए जाते, सजा दिलाई जाती और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता तो मुझे खुशी ज़्यादा होती। अगर इस तरीके लोग अपने हाथ में और ख़ास तौर से जो एजेंसियां हैं अगर अपने हाथ में कानून को लेने लगेंगी, तो इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई, राजीव गांधी की भी हत्या हुई, दोनों के हत्यारों को कानून के माध्यम से सजा दिलाई गई और आज भी राजीव गांधी के हत्यारे को आज भी सलाखों के पीछे हैं। तो ये दर्शाता है कि इस देश में कानून का राज है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काम को अंजाम दिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल इसी से रिलेटेड है, पत्रकार विक्रम जोशी, आपने सुना होगा गाज़ियाबाद में अपनी भतीजी के साथ या भांजी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था कोई, उसका उन्होंने विरोध किया, उसके चलते उनको गोली मार दी गई, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है? मेरा मानना है कि जो पत्रकार विक्रम जोशी की जो हत्या हुई वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, और मैं ही नहीं, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार और पुलिस का इकबाल लगभग समाप्त होता प्रतीत हो रहा है, और मेरा मानना है कि सरकार इसमें नाकामयाब रही है। और सरकार दिनों दिन जिस तरीके की घटनाएं, अगर उत्तर प्रदेश का अखबार अगर उठाकर पढ़ लें तो दिनों दिन हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं यूपी में ही पला बढ़ा हूँ, एक चीज़ मैं आपसे
एक एनालिसिस चाहूँगा, एक आपसे एक मैं संक्षिप्त जवाब चाहूँगा। किसी की भी सरकार आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, चाहे बीजेपी आए, हमेशा हम ये देखते हैं कि यूपी में क्राइम कभी कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है, क्या वजह क्या है, यूपी इतना नोटोरियस क्यों रहता है क्राइम के लिए? देखिए, बहुत बड़ा कारण है, हमारी जनसंख्या लगभग 22-23 करोड़ के लगभग की जनसंख्या है, और अगर उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे विश्व में उठा लें तो हमारी आबादी जो है ब्राज़ील और बड़े देशों की लगभग पाँचवा छठा देश उत्तर प्रदेश होगा अगर उस आबादी के हिसाब से उठाएँ तो। एक तो आबादी है, दूसरा हम जो नौजवान लोगों को जो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। आप इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो बढ़ती चली जा रही है, और सरकार सिर्फ घोषणा करती है और सरकार की घोषणा अमली जामा जो है पहन नहीं पाती, और वो दम घोटती नजर आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े धूम धड़ाके के था, प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आए, देश के ढेर सारे मंत्री आए, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद कितने प्रोजेक्ट जमीन पर लग पाए, कितनों की शुरुआत हो पाई, आज तक इसका विवरण हमारे पास नहीं है। मैं तो उदाहरण के लिए कहता हूँ, जनपद प्रयागराज में पिछले 3.5 साल की सरकार में एक भी प्रोजेक्ट इलाहाबाद को उद्योग के नाम पर नहीं मिला। मुझे तो लगता है इलाहाबाद ही नहीं, कौशाम्बी उठा लें, फतेहपुर ले लें, चंदौली ले लें, आप प्रतापगढ़ ले लीजिए, आप मिर्ज़ापुर ले लीजिए, आप भदोही ले लीजिए, एक भी प्रोजेक्ट इन जनपदों में जहां बड़ी आबादी रहती है, उस आबादी के लिए एक भी औद्योगिक निवेश नहीं आया। तो मैं क्या समझूं, आप एक तरफ तो बहुत विकसित करते हो एक इलाका, और दूसरे इलाके की उपेक्षा। मैं तो कहना चाहता हूं जनपद प्रयागराज और सटे हुए इलाकों की उपेक्षा इस सरकार में हुई है। अच्छा, मैं आपसे एक कोरोना से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। सपा के एक नेता हैं शफीक उर रहमान, उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदें खोल दी जाएं और मुस्लिम्स को प्रे करने दिया जाए वहां, तो कोरोना ठीक हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और यही नहीं देश विदेश में भी लोगों ने माना है कि अगर भगवान के पास प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संबल जो है मजबूत होता है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, और चाहे हमारी मस्जिदें हों या और भी जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। तो ये है कि जहाँ इतने लंबे लंबे लॉकडाउन के बाद लोग घरों में सीमित हो गए, घरों में बैठ गए, बिना काम के बैठ गए, तो अगर भगवान की शरण में जाएं तो लोगों को मानसिक बल मिलता है, और उस मानसिक बल के लिए उन्होंने ये बोला होगा, और ये उनका व्यक्तिगत कदम है। कोरोना एक पैंडमिक है, एक पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से भारत की सरकार ने इस पैंडमिक की लड़ाई को लड़ा, मुझे लगता है जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 18 दिन की लड़ाई में जो है महाभारत को जीता गया और 21 दिन में जो है हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इस तरीके का संदेश दिया, तो लोगों के मन में ये भावना थी कि 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद जरूरी जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण एक विश्वास उन्होंने पैदा किया, और उस विश्वास का ही नतीजा है कि 4-5 महीने के बाद भी लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब केस बढ़ रहे हैं तो हम लॉकडाउन नहीं करते, जब केस नहीं थे तो हम लॉकडाउन कर रहे थे। तो कहाँ आप इस बात का चिंतन करिए कि कोरोना पर क्या हम वाकई विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्या कोरोना को वाकई रोकथाम में सरकार ने बड़े पैमाने पर कोई अच्छा काम किया है, ये जनता इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकती है। मेरे लास्ट के आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन हाँ राजनीति से रिलेटेड ज़रूर है, तो मैं उस पर आपका कुछ कमेंट चाहूँगा। एक अजीब सा ट्रेंड देखा गया है राजनीति में, पहले एमपी में देखा गया, उसके बाद अब देखा जा रहा है राजस्थान में। कहीं पर कांग्रेस गवर्नमेंट होती है, लोग उन्हें चुनते हैं, वोट देते हैं, और अचानक कुछ होता है कि कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा होता है कि वहाँ बीजेपी आ जाती है या आने वाली होती है। तो ये जो एक नया जो एक ट्रेंड चला है, ये कैसे आप देखते हैं और क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? देखिए, ये विश्व स्तर पर ये ट्रेंड चल रहा है, और जो लोग एक सरकार में आ जाते हैं उनका मानना होता है कि कभी भी हम सत्ता से बेदखल न हों, ये उनकी सोच विकसित हो जाती है।
और जिस तरीके से रूस में, जिस तरीके से तुर्की में और जिस तरीके से और देशों में जहां इस तरीके के सोच के नेता आए, उनको एक बार सत्ता मिली तो उन्होंने कभी छोड़ने का काम अभी तक नहीं किया है। मेरा कहना है किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में किसी भी सरकारों को गिराना धनबल के बल पर, सरकारी संसाधनों का उपयोग करके, ये मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। लेकिन मैं अगले 6 महीने तक बड़ा ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक समझ कहती है कि आज हो सकता है राजस्थान हो, कल हो सकता है महाराष्ट्र हो, परसों हो सकता है झारखंड हो, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक पार्टी का राज स्थापित करना चाहती है, मैं तो इसको जनतंत्र विरोधी कृत्य मानता हूँ। और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कहीं न कहीं वो भी चुप हो जाती हैं, कहीं न कहीं उनका भी मूक रूप से सरकारों के प्रति वो जवाबदेही, वो समर्थन मिल जाता है, जिसके बदौलत इनके हौसले और बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और चुनी हुई सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए और जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो किसको चुनते हैं। मेरा आपसे लास्ट सवाल, समाजवादी पार्टी की आगे क्या नीति रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का स्पष्ट मानना है कि हम संघर्ष के बल पर हमारी पार्टी का उत्पन्न हुई थी और संघर्ष के बल पर जब कभी संकट आया तो हमने संघर्ष किया और उसके बदौलत, सत्ता के लिए हम राजनीति नहीं करते, सत्ता एक माध्यम है हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन का। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, फासिस्टवादी सोच को नकारना चाहते हैं। ये हमारी सोच है, इस सोच पर हम आगे काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और फिर जनता के ऊपर फैसले को छोड़ेंगे और जो भी जनता तय करेगी वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है, सरमाथे पर है और उसको हमेशा हमने स्वीकार किया है और आगे भी स्वीकार करेंगे। इससे हम अपने इंटरव्यू के एंड पे आते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।